तो ये अपना ब्लैक विस्ट देखिए, पीछे पहाड़ आगे ब्लैक विस्ट, काफी अच्छा लग रहा है। तो बाहर की तो बाद में काउंट करते हैं, पहले जो अंदर है आपको वही दिखा देता हूँ। तो अभी तक 5 हो गई, चलो 6 बताता हूँ आपको। तो ये चारों, ये रही 29। तो एक हेडलाइट की काउंट कर लेता हूँ। अब मैं अगर अपने घर के बल्ब का हिसाब लगाऊं तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और ऐसे प्यार बनाए रखें। तो स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:11। तो अभी मैं नहा के आया हूँ और मुझे कहीं जाना है, तो चलो मिलते हैं नीचे। तो अभी मैंने गाड़ी भी साफ़ कर ली है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा संडे को वही रूटीन रहता है, यू नो संडे को एटलीस्ट 2-3 गाड़ियाँ तो साफ़ होती हैं। तो चलो दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए आप सामने, डॉक्टर चंदू गाड़ी साफ़ कर रहे हैं और उधर चार्ली लगे हैं और इधर, हाँ, और यहाँ पे चाचा की मैगी का एंजॉय हो रहा है। देखिए जैसे कि फिर से डॉक्टर चंदू बता रहे हैं कुछ। और ये देखिए मैंने भी अपनी गाड़ी साफ़ कर ली है और यहाँ पे नेगी देखिए एंजॉय कर रहे हैं, मैगी ड्यूटी से आए हैं अभी लगता है। तो गाड़ी को मैंने कर लिया स्टार्ट और इसको धोया ना, थोड़ा इस पर पानी रह जाता है तो उसको भी कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। तो मुझे कपड़ा दिख नहीं रहा था। अच्छा ये रहा इसका कपड़ा। तो ये देखिए जैसे पानी की ड्रॉप्स रह जाती हैं तो ये दाग छोड़ देती है, तो इनको भी साफ करना पड़ता है। एक तो धोना ही से इतना बड़ा महाभारत है, ऊपर से फिर इसके एक एक दाग को साफ करो। यार ब्लैक कलर ना लेना आसान है, साला मेंटेन करने में लग जाती है। क्या प्लान है फिर आज का? अच्छा आज ऐसे ही वॉशिंग हो रही है, ओके। तो अब देखिए जरा, अब चमक रही है थोड़ा कपड़ा मारने के बाद, नहीं तो ऐसे पानी मारने के बाद तो कोई दो आदमी लड़के मर जाए कि धोई है कि नहीं धोई है। अंदर से साफ मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि एक्चुअली अभी मैंने एक हफ्ता पहले ही ये सर्विस स्टेशन से धुलवाई हुई है, तो यू नो अंदर से ज़्यादा गंदी होती भी नहीं है। और हाँ ज़्यादा गंदी इस बाहर से भी इसलिए हुई ना क्योंकि अभी बारिश हुई 2 दिन पहले, तो फिर बारिश से ऐसा होता है ना कि ये पूरी मिट्टी जो है जम जाती है, मतलब ब्लैक कलर पे, तो फिर बड़ी गंदी दिखती है और मुझसे गंदी गाड़ी देखी नहीं जाती है। तो चलो वीडियो पे आते हैं, जैसे कि आप टाइटल देख रहे होंगे तो चलो दिखाता हूँ आपको वो मैं लाइट्स का घर। और सच्ची बात है यार, अभी आपके सामने मैं काउंट करूँगा और आप खुद बताना, मैं अपनी बताता हूँ, मेरे घर में तो इतनी भाई लाइट्स हैं नहीं। तो बाहर की तो बाद में काउंट करते हैं, पहले जो अंदर है आपको वही दिखा देता हूँ कि अंदर कितनी है टोटल। तो चलो काउंटिंग शुरू करें। तो अंदर आते ही ये रही पहली एंड ये सेकंड, ठीक है ये भी है, जला के दिखाता हूँ, बट अभी शायद की ऑफ है तो शायद ना जले, नहीं जलेगी, चलो इसको बाद में दिखा दूँगा मैं आपको। और आप दो लेके चलिए कि ये दो, ठीक है यहाँ पे। तो इसकी कुछ लाइट्स ऐसी हैं जो कि जब मैं इग्निशन ऑन करूँगा तभी जलेंगी, तो चलो की लगा देता हूँ गाड़ी की। तो चलो अब आपको ये वाली भी दिखाई देता हूँ, थर्ड नंबर जो मैं बता रहा था, ये रहा इसका स्विच। तो ये प्रेस किया और ये देखिए थर्ड नंबर की लाइट ये होगी, 1, 2, 3। तो लेफ्ट साइड की मैं आपको लेफ्ट साइड से दिखाता हूँ। तो लेफ्ट साइड की यहाँ पे एक वैनिटी मिरर दिया हुआ है, तो जैसे ही देखिए वैनिटी मिरर मैं ओपन करूँगा और ये लाइट जल जाएगी, तो ये होगी हमारी 4 नंबर। 5 नंबर रही इसके अंदर, ये दिख रही होगी आपको ये। तो अभी तक 5 हो गई, चलो 6 बताता हूँ आपको। तो चलते हैं बैक सीट पे। तो ये रही नंबर 6, ठीक है, जो कि मैक्सिमम गाड़ियों में होती है ये वाली, तो ठीक है 6 हो गई। और ये रही अब 7 और ये रही सामने 8, ठीक है 8 हो गई। अब थर्ड रो में तो मैं घुस नहीं सकता अभी, तो उसकी चलो आपको बाहर से ही बता देता हूँ।
तो 8 हो गई थी, ये रही 9। आप ये मत समझना कि मैं ये रिपीट कर रहा हूँ आगे वाली, एक्चुअली आगे वाली वो रही, देखिए ये 9 और इस साइड ये होगी 10। तो ये होगी अभी तक 10। तो अब जो मैं आपको लाइट दिखाने वाला हूँ वो मतलब बहुत ही यूनिक है और मुझे भी काफ़ी पसंद है वो वाली। तो ये रही वो, तो ये देखिए काफ़ी अच्छी जगह प्लेस की हुई है इन्होंने ये, और ये ना काफ़ी बेनिफिशियल रहती है जब आप कहीं पार्टी वगैरह करने जाते हो तो आराम से इस लाइट को जैसे शाम को ऑन कर दो और यहाँ बैठ के आप अपना जो भी है एंजॉय कर सकते हो। वो टोटल होगी अभी तक 11। तो चलो बाकी की दिखाता हूँ आपको। तो ये इस तरह की हर डोर में है ये, तो 4 आप ये रख लो, 2 इस साइड 2 उस साइड, तो 11 4 15। तो अब जो दिखाने वाला हूँ वो थोड़ा खुफिया जगह पे लगी हुई हैं, तो चलो उनको भी दिखाते हैं आपको। तो 15 हो चुकी थी, तो ये रही 16 17। ठीक है, मतलब हर डोर में 2-2 हैं ऐसी। 18 19 20 21 22 23, तो 23 होगी टोटल। अच्छा, डोर के नीचे भी होती है एक वाइट लाइट, तो वो भी दिखाई देता हूँ, वो भी काउंट कर लेते हैं, वो भी अंदर में ही आएगी। जैसे आप रात को दरवाज़ा खोलोगे तो यहाँ पे एक लाइट होती है, दिख रही है आपको वाइट सी, तो ये चारों डोर्स में होगी। तो ऐसी लाइट्स चारों डोर्स के नीचे है, तो 23 हो रखी थी, तो 4 वो, तो मतलब 27 होगी टोटल। तो आप देख सकते हैं कि अंदर अंदर ही 27 लाइट्स हो गई हैं। अरे नहीं नहीं, अभी अंदर और मैं भूल गया दिखाना, 4 लाइट्स अभी और हैं। तो 27, ये रही 28, 29, उसी तरह इस सीट के नीचे भी हो गई 30, और आगे वाले में तो 31 होगी टोटल। तो टोटल अभी तक अंदर होगी 31 लाइट्स, मतलब 31 बल्ब। यार 31 बल्ब तो मुझे लगता है मेरे घर में मुश्किल होंगे टोटल मिला के भी। तो अभी तक जो काउंट की वो ही सारी अंदर अंदर की, अब चलो बाहर की भी काउंट कर लेते हैं। तो एक हेडलाइट की काउंट कर लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चलो काउंट करते हैं। तो एक तो DRL इसके बहुत सारे हैं, तो चलो इनको एक ही रखेंगे हम। वैसे तो ये दिख रहे होंगे शायद आपको, अभी थोड़ा दिन में कम ही दिखते हैं, तो चलो एक ही रखते हैं इनको, एक ही मान के चलते हैं। तो 1 हाई बीम, 2 प्रोजेक्टर, 3 और एक कॉर्नरिंग, 4। तो एक हेडलाइट में होगी 4, तो 2 में होगी 8, ठीक है टोटल होगी 8 बाहर अभी। तो हेडलाइट के नीचे रहे फॉग लैम्प, तो एक ये रहा और एक उस तरफ होगा, 2 बाहर टोटल होगी 10। तो अब काउंट करते हैं चलो बैक लाइट की, तो वही करेंगे इनटू 2 कर देंगे उसको भी। तो ये रही बैक लाइट, इसमें 3 आपको भी जली हुई दिखाई दे रही होंगी, 1 2 और ये 3, ठीक है 3 ये होगी, 1 4 5 6 7, तो 1 टेल लाइट में 7 बल्ब। तो उसी तरह 2 में हो गए 14, तो मतलब टोटल अभी हमने 10 काउंट की थी आगे और 14 होगी ये, तो 24 होगी टोटल अभी तक। तो एक ही ऊपर, इसको भी एक ही मान के चलते हैं, तो 25 और ये रही नीचे 2, 26 और 27। तो अब काउंट कर लेते हैं ORVM के, तो ये रहा 1 और इसके नीचे एक ये 2, तो पहले के थे 27, तो 2-2 मिला के 4 ये हो गए, तो बाहर भी हो गए टोटल 31, तो अंदर भी 31 बाहर भी 31, तो टोटल होगी 62। तो अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिएगा कि टोटल 62 लाइट्स वो भी एक गाड़ी में। तो अब मैं अगर अपने घर के बल्ब का हिसाब लगाऊं, तो चलो आप नॉर्मली एक रूम में 4 भी रख लो तो 6 रूम होंगे, तो 6 4 24, तो मतलब कुल घर में 24 ही हुए। चलो बाहर के भी लगा लो, चलो 20 ही रखो बाहर भी, तो 24 + 20 कितने हो गए, 44 ओनली, मतलब घर में सिर्फ 44 ही हैं। मेरे में तो भाई 44 ही हैं, बाकी आप अपना
कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मैंने बता ही दिया आपको, महिंद्रा ने तो देखो हद ही करते हैं, मतलब एक गाड़ी में 62 लाइट्स लगा रखी हैं।